ऐतिहासिक फैसले का दिन है और देश भर में ये ऐतिहासिक फैसले का जश्न के रूप में देखा जा रहा है। लोगों में शांति और सौहार्द बना हुआ है। हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे सहयोगी संवाददाता कपिल अरोरा जी हमारे साथ जुड़ने। कपिल जी, कपिल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कपिल, क्या तस्वीर, क्या 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 तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? कैसा, जिस तरह से राम मंदिर निर्माण फैसले को लेकर अलीगढ़ में किस तरह का माहौल और वातावरण? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से 30 साल का इंतजार, एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा इंतजार था, जिस पर एक अहम मुद्दा, अहम फैसला देश के लिए, देश के हित में और सरकार के हित में और जनता के हित में दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा अपने आप में एक सहयोगपूर्ण फैसला है। लेकिन सब चीजों को देखते हुए या सरकार को जो फैसला दिया गया, कहीं ना कहीं एक जो एक तीन तौर पर क्या करते हैं कि जो हमारे देश है, देश को इस फैसले का बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार था। और कहीं ना कहीं अगर हम तमाम समाज में रहने वाले लोगों की बातचीत करते हैं या उनकी बातचीत का जो सामान्य सत्र निकलता है, एक बहुत ही खुशी की लहर जो सबके मन में है और जो दौड़ रही है, वो शायद देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है अंशुल जी, जी किस तरह से और जिस तरह से देखने को मिला है लोगों में, जिस तरह से तनाव बताने को, जो तनाव जैसी कोई स्थिति नहीं है, शांति सौहार्द का माहौल है क्या अलीगढ़ में? जी बिल्कुल, किसी तरह का कोई भी तनाव यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। जो चाहे कोई सभी किसी भी कास्ट के लोग हों, आपस में जिस जो फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका बाकायदा सम्मान किया जा रहा है। किसी भी, ना तो कोई हिंदूवादी हो रहा है, ना कोई मुसलमानवादी हो रहा है, बस उस फैसले को बाकायदा नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से किसी के अंदर दोष भाव की भावना अंदर देखने पास, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।